का गुलाम है, अंधभक्ति की गुलाम है, तो ये क्या संविधान पे काम करेंगे? इन मूर्खों को कोई समझाए कि भाई जो अपने आप को राजा घोषित करने में लगा हुआ है, जो अपने आप को महाराजा बताने में लगा हुआ है, खराब हो गई सालों को, उनको चेक करानी चाहिए मीडिया वालों को। आम चूस के खाए या केला डाल के खाए, हमें इससे क्या लेना? केला डाल दे उसकी में, हमें क्या लेना? जो चम्बल अम्बल कहीं भी जाइए आप, कहीं पर भी डकैत नहीं मिलते, क्योंकि वहां पूछने जाओ कहले डकैत कहाँ है, डकैत तो पहुंच गए संसद भवन में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए नंदा भाई राजपूत हैं, जो भारतीय सैनिक भारतीय जवान रहे हैं। ये लगातार भड़क रहे हैं उन लोगों के ऊपर, सरकार को चारों तरफ से घेर रहे हैं, और साथ ही साथ बॉलीवुड के कुछ मशहूर एक्टरों के ऊपर भी भड़के हैं। महिला पहलवान जिस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन कर रही थी, हरिद्वार तक जाती हैं, अपने उनको जो पदक मिले थे उनको गंगा में विसर्जित तक करने पहुंच जाती हैं, लेकिन इस पर बॉलीवुड का कोई भी एक्टर नहीं बोलता है। सरकार के खिलाफ किसी ने भी दो होंठ नहीं हिलाए हैं। इस सब को देखते हुए भारत के पूर्व सैनिक नंदा भाई राजपूत को सड़कों पर उतरना पड़ा है, और इनका कहना है कि देश का सैनिक अगर बॉर्डर पर रक्षा कर सकता है तो अपने देश के अंदर हो रहे अत्याचार से भी महिलाओं की रक्षा कर सकता है। अगर ये सरकार भारत की उन महिलाओं को, उन पहलवानों को इंसाफ दिलाने में असमर्थ रहेगी, तो फिर इस भारतीय सैनिक को आगे बढ़ करके, कदम बढ़ा करके महिला पहलवानों को इंसाफ दिलाना आता है। आप जानते होंगे कि 9 दिन का टाइम दिया गया था महिला पहलवानों को कि 9 दिन के अंदर ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ कोई ठोस एक्शन लिया जाएगा, कोई ठोस कार्रवाई की जाएगी। नरेश टिकैत जो किसान यूनियन के लीडर हैं, उन्होंने महिला पहलवानों को ये आश्वासन दिया था कि आप अपने पदक हमें दे दो, अपने अवार्ड हमें दे दो, इन्हें गंगा में मत बहाओ। अगर इन 9 दिन के अंदर ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है तो 10वां दिन तुम्हारा होगा। इसी तरह की बहुत बड़ी बड़ी बातें देश के अंदर होने वाली हैं। इससे पहले कि देश के अंदर ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई हो या और कोई मुद्दा उठ करके सामने आए, मैं आपको नंदा भाई राजपूत से आपकी बात कराता हूँ। इनकी बात को बहुत ही ध्यान से सुनना, इस वीडियो के अंदर इन्होंने बहुत कुछ बोला है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये नंदा भाई राजपूत के अपने व्यक्तिगत विचार हैं, ये चैनल या हम इनकी बात की सत्यता की पुष्टि नहीं करते। हमारा काम है केवल और केवल लोगों के व्यक्तिगत विचारों को आप तक पहुँचाना। हजारों करोड़ रुपया, लाखों करोड़ रुपया ये बर्बाद कर दिया देश का। मकान बनने चाहिए थे गरीबों के, जिनके घर पर छत नहीं है उनके मकान बनवाने चाहिए थे। संसद की क्या जरूरत थी, जबकि संसद था देश में, लोकतंत्र का मंदिर है। अरे लोकतंत्र का, लोकतंत्र ये तो राजतंत्र बनाया। वो क्या था, वो सिंगोल लेके जो घूम रहा था, है सिंगुल लेके। एक बात बताइए, जो अपने आप को चौकीदार बताता रहा है और संसद भवन के उद्घाटन के दौरान स्वयंभू बन गया, वो सिंगुल हाथ में लेके घूम रहा, भाई ये लोकतंत्र है राजतंत्र थोड़ी है। इन मूर्खों को कोई समझाए कि भाई जो अपने आप को राजा घोषित करने में लगा हुआ है, जो अपने आप को महाराजा बताने में लगा हुआ है, करें वो देश चला रहे हैं। अरे कहीं नहीं, डंका बज रहा पूरी दुनिया में। भाई डंका डंका ले जाओ, खुद भी खुद खरीद लो ढोल, खुद नगाड़े खरीद लो, और कहीं भी किराए के मिल जाते कोई बजा दे, इससे डंका बज जाता है क्या? डंका इनसे नहीं बचता। देशवासी पूरा देश परेशान है, महंगाई अपनी चरम सीमा पे, बलात्कार देख ही रहे हो, बलात्कारों के नाम पे कहीं न्याय नहीं मिल रहा, सत्ता में साले बलात्कारी बैठे हैं। जांच से क्या मतलब है, मेरी बात सुन लीजिए, इनके परिवार के, इनके घर की कोई चीज गायब हो जाए भी है, इनकी भतीजी का क्या गायब हो गया था, मोबाइल कितनी देर में लाख खड़ा कर दिया था इन्होंने, समझे नहीं? इसमें न्याय प्रक्रिया चल रही है। अरे भाई सबसे बड़ी की बात करने वाली पार्टी है, अब अरे का कौन है हिंदू इस देश में, महिला के सम्मान करेंगे? भाई कौन है हिंदू इस देश में, कौन है हिंदू? आप है? मैं तो नहीं हूँ, गाली मत दे, फोड़ दूंगा ही, मैं हिंदू नहीं हूँ। क्यों नहीं, आप राजपूत? अरे मैं राजपूत की बात, अरे राजपूत, राजपूत देश का रक्षक है। रक्षक का मतलब तुमने इतिहास ही नहीं पढ़ा देश का, कैसे नहीं है? राजपूत किसमें नहीं है, हर कौम में राजपूत है। भाजपा बात करते हैं, अरे भाई क्या, अरे हम कोई गुलाम थोड़ी है, बधुआ थोड़ी है राजपूत, किसी के किसी पाखंड के गुलाम नहीं है राजपूत। बोलते हैं कि महिलाओं का सम्मान चाहे हिंदू बेटी, किसका सम्मान बात होती है ना, कौन से हिंदू बेटी का सम्मान कहाँ का करा भाई? उसका कर दिया था मनीषा वाल्मीकि का, उन्नाव में जो रेप किया उसका करा था क्या? है वो नहीं थी हिंदू, उधर को वो क्या थी, क्या नाम, बुलंदशहर में थी एक लड़की है मनीषा, वो क्या नाम है, पिंकी लोधी, उसका करा क्या इन्होंने? किसी का नहीं करा, ये हिंदू नहीं थी। बोलती है महिलाओं का सम्मान, हिंदू बेटियों को नहीं मिल रहा है सम्मान। महिलाएं उन्हें दिखती नहीं, आंखें खराब हो गई सालों को, उनको चेक करानी चाहिए मीडिया वालों को। आप हिंदू नहीं है क्या, मुसलमान है आप? कौन
हिंदू नहीं हूँ ना मुसलमान हूँ, इस देश का इंसान हूँ, भारतीय हूँ मैं इंसान हूँ, ना हिंदू ना मुसलमान इंसान हूँ। भाई जो भाई आप हो सकते हो हिंदू मुसलमान, हिंदू राष्ट्र मैं इंसान हूँ, कौन मैं तो इंसान हूँ हिंदू राष्ट्र। अरे कुछ है तो नहीं, हिंदू महिलाओं का तो सम्मान है, ये ना हिंदू तो मान रही है, जब तो बलात्कार कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं राजतंत्र की तरीके से चला रहे, इनकी पार्टी का इनकी सरकार का कोई प्यादा भी किसी महिला बहन बेटी का रेप कर देंगे तो ये सोचते हैं ये कहे मान लो कि देवता आए और आशीर्वाद दे गए, समझे ठोका पीटी करे और चले गए, कल बच्चा ही पैदा हो जाए तो कह देना ये सूर्य पुत्र है। कौन सा बाबा धीरेन्द्र शास्त्री? अरे पर्चा नहीं, उसका खर्चा चल रहा है इन चीजों से पाखंड करने से, समझे? अरे कुछ भी नहीं कर सकता। अरे ऐसे बाबा बाबा सब घुस गए तेल लेके, समझे? इनसे देश चल रहा है क्या? इस देश में इतने आए कहां से आ गए पाखंडी, ये ढोंगी है, समझे? सरकार के बनाए हुए चिल्लर खटमल है ये, कोई आस्था नहीं है इनसे, क्या आस्था है? क्या क्या आस्था है? आस्था के नाम पे देश को तुम रोन नहीं दोगे, बहन बेटियों का बलात्कार नहीं कर दोगे, मान नहीं दोगे, लड़कियां गायब नहीं कर दोगे? अरे हिंदू बेटियां थी वो 42,000 महिलाएं बहन बेटियां जो गुजरात से गायब हुई, वो हिंदू नहीं थी? कहाँ गई? कहाँ गई? दावा करें ढूंढ दिया गया, कहाँ दावा करें, कहाँ है वो 42,000? ढूंढ दिया गया। कौन सी जगह भेज दी? कुवैत भेज दी? कहाँ भेज दी? अरब कंट्रियों में भेज दी या दुबई भेज दी? बताओ कहाँ भेजी इन्होंने? बागेश्वर बाबा हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं भारत को, काय का वही हिंदू बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा है। अरे तो उसके बाप का देश है क्या ये? पाखंडियों का देश नहीं है ये? विदेशियों की नाजायज संतान है साले जो पाखंड मचा रहे हैं यहाँ, ये भारतीयों का देश है, भारतवासियों का देश है, ये भी तो भारत है। कौन विनेश फोगाट साक्षी? कौन सा? हाँ तो इन भारतीयों को न्याय थोड़ी मिल रहा है? जो भारतवासी है, जो भारतीय लोग हैं, उनका शोषण कर रहे हैं पाखंडी विदेशी मानसिकता के लोग, ये विदेशी मानसिकता के लोग। बाबा का सुन है? भसम कर देंगे। कौन सा भसम वो कर देगा? समझे नहीं, एक बाल भी तोड़ के डाल दिया साले लिपटा पड़ेगा उसमें, वो मुझे भसम करेगा खटमल, समझे? क्रांतिकारी वो भसम कर देगा, वो मूत निकलाएगा उसका, वो ढोंगी है तो साथ। अरे कोई सेना फेना नहीं है, आरोप थोड़ी। अरे भाई एक बात बताओ, मैं आरोप यार बलात्कारी जब कह दिया तो बलात्कारी है, आरोपी है ना, बलात्कारी थोड़ी यार, बलात्कार के आरोपी तो है तो बलात्कारी कहा जाता उन्हें। अच्छा अगर अगर आरोपी है तो प्रधानमंत्री खामोश क्यों है, क्यों नहीं बोले उनके बारे में? भाई उनकी सरकार का सांसद है, समझे? जब इनकी सरकार, इनकी पुलिस, इनका सब कुछ, तो न्याय की उम्मीद करना तो बेकार है। वो तो मजे ले रहा था वहाँ, वो तो दिखा रहा था कि मैं तो ऐसे ही करता हूँ। मैंने कहा नहीं कि राजतंत्र की तरीके से दिखा रहे हैं, ये बता रहे कि इनकी सरकार में कोई मामूली प्यादा भी है, वो भी देवता बन के कहीं भी चला जाएगा, बलात्कार कर देगा, कल बच्चा पैदा कर देगा तो वो कह देंगे सूर्य पुत्र हो गया, ये चंद्र पुत्र हो गया, ये पत्ता पुत्र हो गया, ये कीड़ा मकोड़ा पुत्र हो गया, तो उसी पद्धति पे दलाना चाहते हैं इस देश को, समझे नहीं? जो सत्ता का कोई भी आदमी है वो इनके ऊपर आ जाए, जैसे कहा फलाने राजकुमार आ गए वहां, ये कर गए कांड तो किसी ने विरोध नहीं करा, तो ये तो राजकुमार और राजा बने फिर रहे हैं, ये जिस पे हाथ रख देंगे किसी बहन बेटी के साथ कुछ कर दे वो विरोध ना करें, अगर विरोध करेंगे तो उनकी छुपाई करी जाएगी। 1983 की जो वर्ल्ड कप टीम है क्रिकेट की, कपिल देव वाली, वो पूरी टीम समर्थन में उतरी है महिला पहलवानों के, शाहरुख खान, सलमान खान और अमिताभ बच्चन, ये लोग खामोश क्यों हैं? भाई ये लोग, मैं तो कह तो रहा हूँ ये तो नचाइए गवाही है, ये तो धन और पैसे को प्रोफेशन लोग हैं, अरे प्रोफेशन लोग हैं, इनको आप पैसा दीजिए, इन नंगा होकर नाचने लगेगा शाहरुख खान, सलमान खान नंगा होकर नाचने लगेगा, समझे नहीं? अमिताभ बच्चन नंगा होकर नाचने लगेगा, ये प्रोफेशनल लोग हैं, इन्हें देश और इससे कोई मतलब नहीं है, ये राजनीति कर रहे हैं लोगों की भावना के साथ, ये भी तो खेल रहे हैं, समझे? कभी वो आई थी फिल्म तो रोने लगे थे कि पठान आई तो पठान के नाम पे हिंदू मुसलमान करा के नौटंकी करी, समझे? वो चला है, मगर फिर भी देशवासियों ने, मेरी बात सुन लो, पूछते हैं आम कैसे खाया जाता है, अक्षय कुमार चाहते हैं यहाँ का नागरिक भी नहीं है, वो तो कनाडियन है, लेकिन आम चूस के खाए या केला डाल के खाए, हमें इससे क्या लेना? केला डाल दे उसकी में, हमें क्या लेना? हमें तो बेरोजगार है, देश में रोजगार चाहिए युवाओं को, बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है, न्याय चाहिए। अब जिस युवा केला डाल, आम डाल, गन्ना डाल, कुछ डाल, हमें क्या मतलब उससे? तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो देखकर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। दोस्तों ये बात तो सही है कि देश के अंदर जब भी अगर कोई इस तरह की घटना हो तो जो सेलिब्रिटी हैं, जो लोग चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू, उनको आगे बढ़कर आना चाहिए, क्योंकि इन लोगों के पीछे लाखों लोग चलते हैं। इन लोगों, ये लोग अगर किसी चीज़ की मांग करते हैं तो यूथ, जो आज का नौजवान है, वो इनकी बात को बहुत ध्यान से सुनता है और उस पर विचार विमर्श करता है। तो भारत की जो हमारी बहनें हैं, महिला पहलवान हैं, उनके खिलाफ़ अगर कहीं ना कहीं कुछ अत्याचार हुआ है
तो उसकी बड़े पैमाने पर इन्वेस्टिगेशन की मांग तो कम से कम इन लोगों को करना चाहिए। साथ ही साथ किसान यूनियन के जो अध्यक्ष हैं नरेश टिकैत, राकेश टिकैत, इन लोगों की भी सहायता करना चाहिए, इन लोगों को भी समर्थन देना चाहिए। जिस तरह से किसान आंदोलन इन लोगों ने किया था, कितने बड़े पैमाने पे किया था, सरकार को इनकी बात मानना पड़ी थी और तीनों कानूनों को वापस लेना पड़ा था। इसी तरह से अगर आज किसान यूनियन के ये लीडर महिला पहलवानों के साथ अपनी पूरे जी जान से लग जाएं, तो हम समझते हैं कि ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ कम से कम इन्वेस्टिगेशन होगी। अगर वो अपराधी पाए जाते हैं तो उनके ऊपर कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। भारत के अंदर संविधान ये राइट देता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये राइट है कि आप किसी को अगर अपराधी बताते हो तो इसके खिलाफ कम से कम जांच होनी चाहिए। जांच होने के बाद ये पता लगता है कि बंदे ने अपराध किया है या नहीं किया है, उसके आधार पर अदालत में अग्रिम कार्रवाई की जाती है। तो फिलहाल वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह के एक नए मेहमान के साथ। तब तक खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।